उन्नाव में रेप पीड़िता को जलाए जाने के बाद देश भर में गुस्से का माहौल है और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की जा रही है इस घटना के बाद सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा है लेकिन मानवता को शर्मसार कर देने वाले इस घटनाक्रम के के बाद भी उत्तर प्रदेश मंत्री विवादित बयान देने से जरा भी पीछे नहीं रह रहे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में खाद्य और रसद और नागरिक आपूर्ति मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह ने उन्नाव मामले में विवादित बयान देते हुए कहा कि समाज है तो सौ फीसदी क्राइम न होने की गारंटी भगवान राम भी नहीं ले सकते हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि योगी और मोदी की सरकार में आरोपियों को संरक्षण नहीं मिलता जबकि पूर्ववर्ती सरकारों में अपराधियों पर कोई नकेल नहीं कसी गई थी लेकिन अगर कोई गुनाह हुआ है तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी ये तय है मंत्री आज बाराबंकी जिले में एक विभागीय समीक्षा बैठक में भाग लेने पहुंचे थे बाराबंकी से ब्यूरो चीफ संदीप तिवारी की रिपोर्ट कहीं ना कहीं सरकार विफल नहीं हो रही है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने के बाद इस तरह के काम हो रहे हैं कहना की सरकार विफल हो रही है ये बात ठीक नहीं है नहीं। अगर सरकार कहीं पे किसी मुलजिम को आरोप लगा रहा है विपक्ष को तो जो कहना है वो कहे विपक्ष के टाइम में तो मुलजिम को समर्थन देने वाली सरकार होती हमारी योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार कभी किसी मुलजिम को शरण नहीं देती है और ना उसका कभी वो समर्थन करती है और मैं समझता हूँ क्राइम तो हर समय हुआ है लेकिन क्राइम को सही समय में सही ढंग से लीक आउट करके और मुलजिमों को जेल भिजवाने का काम अगर कोई करती है तो योगी सरकार करती है और मैं समझता हूँ देश आज़ादी के बाद ये पहली सरकार होगी